तो सबसे पहली बात तो ब्लॉग नहीं आने का कारण बता रहा हूँ। और सुबह से देख सकते हो कि स्टूडियो का आप समझ सकते हो कि मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। और क्या हो रहा है वो बताता हूँ थोड़ी देर में कि ब्लॉग क्यों नहीं एडिट कर पाया हूँ सुबह से। सुबह सुबह जस्ट पहला लेक्चर मैंने लिया था, और पहले लेक्चर लेने के बाद में ही जो है मैं ऑफिस में जाके ही बैठा हुआ था, और एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने इंटरव्यू देखा। और कल जो इवेंट हुआ था हमारा, उस इवेंट में दो सिस्टर्स जो थी, एक है आराध्या और एक कीर्ति, ये दोनों बहनें जो हैं वो कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गई हैं, और इनकी एक और सिस्टर है पिंकी, वो भी सिलेक्ट हो गई हैं। तो इनका दैनिक भास्कर भास्कर में जो है वो न्यूज़ आया है। और एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है वो ये दावा किया, और नहीं भी किया, इस तरीके से गोल मोल बात कह दी कि इससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं कि ये है क्या। सो दैट उन्होंने बकायदा पेपर कटिंग ली, और वो पेपर कटिंग पढ़ के बताई कि ये है, ऐसा है, वैसा है। तो मैंने जब पूरा वीडियो देखा तो मैंने लगा यार ये तो अजीब सी बात है, मतलब कि किसी से कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों की चैट बता रहे हो, स्टूडेंट की चैट बता रहे हो। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है आजकल। चलो जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं दुनिया में, लेकिन ये मेरे साथ जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं सुबह जैसे ही ऑफिस में गया तो मुझे ब्लॉग एडिट करना था पहली बात तो। लेकिन हुआ ये कि मैंने ये वीडियो देखा, वो भी मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में ही एक दो लोगों ने बताया कि ये कुछ अलग ही प्रकार का वीडियो आ गया है। अब जिसमें कि ये हो रहा है कि जो चैट बताई जाती है वो स्टूडेंट की चैट नहीं बतानी चाहिए। पहली बात तो ये मेरा पर्पस है, मेरा विचार है कि ये प्राइवेसी वाली बात है। एक स्टूडेंट क्या आपसे मैसेज कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अपनी क्रेडिट बताने के लिए आप लोगों का प्राइवेसी नहीं छीन सकते। और दूसरी बात ये है कि वीडियो बनाना है तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि हर ही चीज़ पे वीडियो बनाया जाए अपना क्रेडिट लेने के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है। और उसमें हो ये रहा था कि मुझे जो आखिरी आखिरी तक दिखाई दिया कि गोल मोल बात करके बात इतनी सी थी कि भैया हम जो है वो इनके सफलता के एक बहुत बड़ा हमने योगदान अर्जित किया है। मतलब ये क्लैरिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि ये बात क्लैरिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो मेरा दिमाग जो है वो एकदम घूम गया, मैंने बोला ये तो अलग ही बात है। फिर मैंने उन दोनों बहनों से, क्योंकि कल बात करके रखी हुई थी, आज और मैंने बात करी यहाँ पर इंस्टीट्यूट में बुला करके, तो वो भी परेशान है। परेशान क्या है कि वो पेपरों में जो न्यूज़ बता रही है, न्यूज़ वालों को, पेपर वालों को जो बता रही है कि जो वास्तविक परिस्थिति है, पेपर वाले कुछ और ही छाप रहे हैं कि पिता ने जमीन बेच दी और ये कर दिया वो कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। आप किसी पिता के सम्मान को जो है वो इस तरीके से ठेस नहीं पहुंचा सकते कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद को बेच रहा है, इसको बेच रहा है, उसको बेच रहा है, ये गलत बात है। पहली बात तो वो मेहनत कश व्यक्ति हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपनी तीनों बच्चियों को उन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है। और मैं आज तक उनसे नहीं मिला, लेकिन उनके स्वाभिमान को मैं ये देख सकता हूँ, क्योंकि तीन बच्चियों को आज के ज़माने में पढ़ाना और इस सोसाइटी से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और उन तीनों बच्चियों को मैंने यहाँ बुलाया। बच्चियाँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं उम्र के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन एक टीचर की भावना से बोल रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि उन तीनों को जब मैंने बुलाया तो वो परेशान दिखी कि सर कोई भी आ रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा नाम लेकर के कुछ भी पढ़े जा रहा है न्यूज़ चैनल के ऊपर, लेकिन जो वास्तविकता है वो कहीं कोई नहीं बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है। पेपर वाले भी कुछ भी छापे जा रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये बहुत गलत मैसेज जाता है। एक स्टूडेंट पहले ही जब सफल होता है तो वो बहुत सारे लोगों की नज़र में आता है, और एकदम से जब ऐसी न्यूज़ आती है तो वो परेशान हो जाता है। अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पाया सुबह से, एडिट क्यों नहीं कर पाया, और ब्लॉग क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने उन तीनों को फिर पहली बार यहाँ पर अभी बुलाया, बकायदा उनका इंटरव्यू लिया, उनसे वास्तविक स्थिति पूछी कि क्या स्थिति है। जिसमें से एक सिस्टर ने मेरे से कभी नहीं पढ़ा, वो सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई करी है उसने, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसने मदद नहीं ली है। तो ये बहुत शानदार बात है। तो ये बात मुझे लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने बकायदा एक वीडियो बनाया है, और इसीलिए मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाया हूँ, और ये इसीलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करना ठीक समझा। व्लॉग नहीं आया है क्योंकि बहुत बड़ा है, कल का इवेंट बहुत बड़ा था, 2.5 घंटे का वीडियो क्लिप्स है जिसको मेरे को आपको एक छोटे से कंप्लीट, जिसको कहना चाहिए, व्लॉग में कन्वर्ट करना है, और आप समझ सकते हो मेरे पास काम कितने होते हैं।
एक और काम बढ़ गया है एप्लीकेशन को मैनेज करने का, तो इस वजह से मेरे को एडिट करने का समय नहीं मिला, क्योंकि एक अचानक से हुई घटना थी जिसमें मुझे अभी तीनों बहनों को बुलाना पड़ा, और उसमें से एक सिस्टर जो है वो छोट आराध्या, वो कहीं पर जॉब भी करती है, तो वो एक प्रकार से उसको मुझे यहाँ पर बुला करके बातें बतानी पड़ी कि सबसे पहले तो उनको एक प्रकार से मेरे को संयमित करना पड़ा, उनको एक प्रकार से समझाना पड़ा कि आप घबराओ मत ये सब चीज़ों के बारे में, और वो घबरा चुकी हैं। कुछ भी न्यूज़ आ रही है, कोई भी रिश्तेदार फिर कुछ भी सोचते हैं इसके बाद में, तो ये बहुत गलत बात होती है, ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल तरीका है न्यूज़पेपर का भी और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का भी। सो दैट ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में, और उनकी चैट्स को बिल्कुल नहीं दिखाया जाना चाहिए। आपकी पर्सनल चैट्स आपकी होती हैं, ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप किसी की पर्सनल चैट्स को या आपके साथ किसी की चैट को बिना परमिशन के दिखा सकें, और दिखाना है तो पूरा दिखाओ, आधा अधूरा दिखा करके बच्चों को बरगलाया जा रहा है, बड़ा दुख होता है। एज अ टीचर मुझे बहुत इस चीज़ के ऊपर अफसोस होता है, अपने एक छोटे से शहर में मेरे को बहुत जस्टिफिकेशन देना पड़ता है पढ़ाते पढ़ाते, तो रोज मेरा काम यही होता है अपनी ईमानदारी दिखाना क्लास में, क्योंकि हमारी ही फ्रेटर्निटी यानी कि हमारे ही समूह के कुछ लोगों ने इस जगह को एक व्यापार बना के रखा हुआ है, और इसीलिए हम लोगों को हर एक स्टूडेंट को इतना समझाना पड़ता है कि हम आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, दिल से प्रयास कर रहे हैं। सभी टीचर्स प्रयास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन यदि इसको बिजनेस के टर्म्स में लिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिजनेस भी करिए, लेकिन बिजनेस बोल के करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। व्लॉग आएगा, चिंता मत करना, इतना सीरियस नहीं होना है। व्लॉग आएगा शाम को लगभग 5 बजे आ जाएगा, और मैं समझ सकते हो कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। तो मिलते हैं व्लॉग में।